तो ब्रेकफास्ट कर लिया हमने। ब्रेकफास्ट में हमने मैगी खाई आज और मतलब अभी करेंगे, लेट हो गए हम। 10:51 हो रहा है एंड वी आर प्रीटी लेट, क्योंकि रात को लेट नाइट चल रही थी पार्टी। तो ब्रेकफास्ट कर लेंगे हम एंड वी आर ऑन इट। सो हम मैगी खा रहे हैं, थोड़ा चिकन बचा हुआ है रात का, चिकन मैगी खा रहे हैं। वो पीछे पेड़ देख रहे हैं आप, ये सारे हिमालयन साइप्रस हैं। बहुत बड़े पेड़ होते हैं, ह्यूज ट्रीज। अगर आप यहाँ उर्गम आते हैं तो यहाँ पर थोड़ा जंगल के अंदर ज़रूर घूमें ये। और अगर इस तरफ जाएंगे आप नॉर्थ साइड की तरफ, जहाँ आछरी धार है अंदर, जहाँ से रिवर आ रही है, जहाँ से रिवर आ रही है अंदर ये धार के अंदर, इधर को हाथ नहीं घूम रहा है मेरा, पता नहीं क्या हो गया। हाँ, तो इधर जहाँ से रिवर आ रही है, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, राजेश भाई गुड मॉर्निंग करते हुए, और जहाँ से रिवर आ रही है, रिवर को वेदों में, पुराने वेदों में हिरण्यावती कहा गया है, क्योंकि शायद इसकी हिरनी जैसी चाल है, या हिरण्य वन में से आती थी तो हिरण्यवती, और अब इसे कल्पगंगा कहते हैं, कल्पेश्वर महादेव। और मैं बता रहा हूँ ये सुंदरवन ट्रैक है, यहाँ से भी आप जा सकते हैं। और सिर्फ आछरी धार ट्रैक ही नहीं कर सकते आप, पूरा एक सर्किट है, ऊपर चढ़ के और नदी से वापस आ सकते हैं, विच टेक्स अराउंड 10 डेज। और जो ऑप्टिमम साइट है, द साइट आई मीन जो ऑप्टिमम समिट पॉइंट है, गुदियाला टॉप, वो भी क्रॉस करेंगे आप। पांडव चौकी होते नीचे रुंड महादेव के दर्शन करेंगे। रुंड महादेव इज़ अ ह्यूज ग्रेनाइट स्कल, स्कल के शेप का स्टोन है, ग्रेनाइट स्टोन, तो वो तो देखने आना पड़ेगा। और लड़कियां अलाउड नहीं है, पर देखेंगे भविष्य में, विल मेक ट्रैक्स वेयर गर्ल्स कैन ऑल्सो जॉइन अस। और हाँ, लड़कियां बंसी नारायण तक अलाउड है, बंसी नारायण आ सकती हैं, आछरी धार तक आ सकती हैं। और उसके अलावा यहाँ ऊपर जहाँ बुग्याल है, माली बुग्याल, तो माली बुग्याल से आप लोग बंसी नारायण पहुँचते हैं, फिर बंसी नारायण से आप मेंडवा खाल क्रॉस करके नंदी कुंड भी जा सकते हैं, मध महेश्वर डायरेक्ट निकल सकते हैं, रुद्रनाथ जा सकते हैं यहाँ से। ये कलगोट पास है, कलगोट पास 2900 मीटर पे है, इसको क्रॉस करके आप पीछे कलगोट डुमक, वहाँ से नदी क्रॉस करके टोली ताल होते हुए पनार बुग्याल और रुद्रनाथ भी जा सकते हैं। तो बहुत ट्रैक्स हैं यहाँ पर। और इधर का मैंने आपको बताया था, इधर पीछे धर्मशिला सोना शिखर है, ये भरकी गांव है, तो ट्रैकिंग ट्रैक्स की कमी नहीं है। आपने कहाँ जाना है, मंदिर जाना है तो ये वाला है, सीधा मंदिर ले जाएगा। तो भगत लोग जा रहे हैं मंदिर को बाबा जी के दर्शन करने, बाबा कल्पनाथ के। तो मैंने उन्हें जरा रास्ता बताया। और क्या बताऊँ मैं आपको, हाँ तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था, आज हमारा डिस्कशन चल रहा था, डिस्कशन इस बारे में चल रहा था कि कौन सा मोबाइल ख़रीदना चाहिए। मैंने देखा जो चाइनीज़ मोबाइल है, रेडमी रियलमी ये वो हल्ला फला ढिमका, और वैसे भी चाइनीज़ मोबाइल नहीं ख़रीदने चाहिए आपको, बिकॉज चाइना इज़ गेटिंग स्ट्रॉन्गर, वो हमारी ज़मीनें वहाँ खींच रहा है, आप ही के मोबाइल के पैसों से वो अपनी आर्मी को मजबूत कर रहे हैं। और तब वो लद्दाख में उन्होंने हमारे हानले हॉट स्प्रिंग्स ले लिए हैं यार, दौलत बेग ओल्डी में ऊपर वो कैप्चर करना शुरू कर दिया उन्होंने, हमारा हाईएस्ट नॉर्दर्न मोस्ट एयरपोर्ट। तो प्लीज़ चाइना को सपोर्ट ना करें, अगर आप एप्पल लवर हैं तो वो ख़रीदें, यूएस को करें सपोर्ट, यूएस इज़ एन अलाय टू अस। और मेरी तरह है एंड्रॉयड यूज़र, तो आप सैमसंग का मोबाइल ख़रीदें, आस्क योर पीयर्स, योर फ्रेंड्स, योर कलीग्स, योर पेरेंट्स जो सैमसंग का मोबाइल यूज़ करते हैं, सैमसंग मोबाइल रन्स गुड फॉर गुड फाइव ईयर्स है ना, तो सैमसंग का मोबाइल बहुत सही होता है। साउथ कोरिया को करें एम्पावर, साउथ कोरिया इज़ ऑल्सो एन अलाय अनलाइक नॉर्थ कोरिया। तो साउथ कोरिया को अभी हमने पावरफुल किया था, वी आर इंडियंस, हम भरकी गाँव, भरकी, तो वी आर इंडियंस। और यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे वाटरफॉल भी हैं, कल्प वाटर, मल्टीपल वाटरफॉल्स, फ्योला नारायण वाटरफॉल है ऊपर, दो जो भरकी से 2 किलोमीटर ऊपर है, और फ्योला नारायण का मंदिर, वहाँ वाटरफॉल भी है, नीचे कल्प वाटरफॉल है ठीक कल्पेश्वर महादेव के साथ। हाँ, तो मैं कह रहा था कि अब हम इंडियंस बहुत स्ट्रांग हैं, जैसे अभी हमने पीछे पबजी बैन कर दिया था, क्यों, क्योंकि वो उसकी जो कोर कंपनी थी वो चाइनीज़ थी, तो हमारी पावर इतनी मजबूत है कि फिर क्राफ्टन और किसी साउथ कोरियन कंपनी ने कोलैबोरेट किया और दे बिकेम दी ओनर्स। तो ठीक है, अगर अमेरिका जा रहा है, साउथ कोरिया जा रहा है, तो इट डजंट बॉदर अस दैट मच जितना चाइना विल बॉदर अस, है ना।
नहीं, मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं, आप चाइना को पसंद करते हो, मैं भी चाइना में जॉब करते हो, आपकी गर्लफ्रेंड चाइनीज़ है, तो आप मुझसे डिफ़र कर सकते हो, बट फिर भी थोड़ा सा देशभक्ति जगाएं। और देशभक्ति जगाने का सबसे पहला एहसास होना चाहिए अपने देश में कूड़ा ना फैलाएं, कूड़े को इकट्ठा करें। अगर आप घर में हैं और बिजनेस ओनर हैं तो सेग्रीगेट करें, प्लास्टिक अलग करें, सारा इकट्ठा, कांच अलग करें इकट्ठा, और जितना भी गीला खाना खूना ये वो वेट वेस्ट है उसे अलग इकट्ठा करें। वेट वेस्ट आप उठाकर ऐसे खेत में भी फेंक सकते हैं, कहीं भी ढेर कर सकते हैं, वो बायोडिग्रेडेबल है, वो गायब हो जाएगा, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट। वट यू हैव टू वरी अबाउट इज़ प्लास्टिक, और प्लास्टिक से भी भयंकर है कांच, तो कांच को तो रिसाइकल करें, रिसाइकल नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं एक जगह पर उसे स्टोर करते रहें, है ना। और यूजुअली यहाँ लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक को इकट्ठा करके लास्ट में आग लगा देते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे ब्लैक कार्बन जनरेट होता है। ब्लैक कार्बन क्या करता है, ग्लेशियर्स पे इम्पैक्ट डालता है, डेफिनेटली ग्लेशियर्स हमारे जल्दी रिसीड होते हैं, तो जलाना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। गुड ऑप्शन वही है कि आप उसे इकट्ठा करें, उसको इकट्ठा करके जो भी आपकी नगर पंचायत है वो आएगी, गाड़ी लेके आएगी, ये उनकी ड्यूटी है, वो उसे वहाँ से पिकअप करें, बड़ी साइट पे ले जाएं, बड़े लैंडफिल पे ले जाएं, फिर बड़े लैंडफिल से इकट्ठा होकर वो कैपिटल का जो देहरादून है यहाँ का कैपिटल, समर कैपिटल, सॉरी विंटर कैपिटल, समर कैपिटल इज़ गैरसैंड। आप लोग गैरसैंड भी जाइए कभी घूमने, है ना, मैं भी जाऊँगा, मैं ले चलूँगा, चलो आपको। तो मैं कह रहा था कि हमारे विंटर कैपिटल देहरादून जाएगा, उसके बाद वहाँ उसे कंप्रेस करते हैं, फिर वो इकट्ठा होकर फिर ट्रकों में लोडो को दिल्ली चला जाता है, क्योंकि दैट इज़ द नेशनल कैपिटल। पर ये प्रोसेस फॉलो नहीं होता है, है ना, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्यों नहीं फॉलो होता है, कहाँ गैप्स आ रहे हैं वगैरह वगैरह। तो आज मौसम पैक है, ये देखो ऊपर पूरे बादल लगे हैं फुल पावर। तो जब मौसम ऊपर पैक होता है, बादल होते हैं, तो एक ह्यूमिड काइंड ऑफ एनवायरनमेंट बनता है, थोड़ा टेम्परेचर अप होता है रादर देन कि जब मौसम खुल आसमान खुला हो। पर एक है आसमान खुला हो इन दी सेंस, मतलब कि इवनिंग मॉर्निंग का टाइम है तो ठंडा हुआ, दिन में है तो सन है तो गर्मी हुई। कई लोग पूछते हैं कि आप तो ठंडी जगह में रहते हैं, दिन में मस्त गर्मी नहीं होती होगी? नहीं, गर्मी हर जगह होती है। आप लोअर एलिवेशन पर रहते हैं तो वहाँ भी गर्मी होती है, और हायर एलिवेशन पर जाएंगे तो वहाँ भी गर्मी होती है। धूप तो आप माउंट एवरेस्ट के टॉप पर भी खड़े होंगे, जो सबसे ऊँची जगह है, ठंडी जगह होगी प्रोबेबली, तो दिन में तो वहाँ पे भी गर्मी होती है जब धूप होती है। तो धूप जब तक है गर्मी है, धूप छुप गई बादलों के पीछे तो थोड़ा फ़र्क पड़ता है, या आप छाया में खड़े तो थोड़ा फ़र्क पड़ता है फिर कि आप किस जगह पे रहते हैं। बाकी गर्मी होती है, वैसी गर्मी नहीं होती है, आप मकान के अंदर जाएंगे तो वहाँ ठंडा है, चिल एकदम। पंखे पंखे नहीं लगाते हम लोग, ज़रूरत ही नहीं है पंखों की।